सुल्तानपुर में ऑपरेशन दबंगई, मेनका गांधी के टारगेट पर धनपतगंज पंचायत चुनाव में नहीं चलेगी किसी की गुंडई। पंचायत चुनाव को लेकर सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी भी आर पार के मूड में, पंचायत चुनाव का अखाड़ा भी सज रहा और पहलवान भी, ऐसे में बड़ी सियासत करने वाले भी पायदान में उतर रहे। सुल्तानपुर का चर्चित इलाका है धनपतगंज, जहां पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और उनके बाहुबली भाई भद्र सिंह मोनू का तूती बोलती है। विरोधी आरोप लगाते हैं कि सोनू मोनू दबंगई से जलवा बिखेरते हैं। शायद यही वजह है कि दोनों भाइयों के तिलिस्म के तोड़ने के लिए भाजपा सांसद मेनका गांधी खुद मोर्चे पर आई हैं। सुल्तानपुर दौरे पर आई मेनका गांधी ने धनपतगंज और पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पूरे चुनाव लेकिन मैं पूरा महीने रहूंगी और एक एक के लिए मैं मदद करूंगी। बस ये आपके ऊपर है कि आप अपनी जिंदगी की रक्षा अकलमंदी से करें। बात सही है कि नहीं? सही है। खास करके मेरी बहने, सुल्तानपुर में औरतें ही बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी, और शुरू से औरतें निडर रही हैं, एक एक देवी की तरह इलेक्शन में सामने आ रही है। मर्द शायद डरे भी हों लेकिन औरतें नहीं डरी। अब वही निडरता घर की रक्षा करती है, वही लक्ष्मी घर की रक्षा करती है। और इस इलेक्शन में भी जिला परिषद में प्रधानी के लिए, जो पीडीसी के लिए, जो विधायक की आएगी, इसके बाद आप अपनी रक्षा, घर की रक्षा करेंगे। अब बहुत मैं बोल चुकी हूँ, मैं फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ। आज आपको बता देंगे, धनपतगंज ब्लॉक जब से बना है तब से तो भद्र परिवार का सदस्य ब्लॉक प्रमुख रहा, या फिर भद्र परिवार की पसंद का शख्स प्रमुख की कुर्सी पर बैठा। समय समय पर सियासत करने वालों ने दाव भी खेला, लेकिन भद्र परिवार का तिलिस्म नहीं टूट सका। लेकिन इस बार वक्त और सियासी समीकरण बदल चुका है, ऐसे में सांसद मेनका गांधी की तरफ से हुआ जंग के ऐलान का क्या असर होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। के नेताओं को, जिन्होंने सुल्तानपुर की धरती पर ऐसे सांसद को हम लोगों को भेज दिया है सकते, लेकिन सर्वाधिक अपने क्षेत्र का दौरा करने वाला अगर कोई सांसद निकला तो मेनका संजय गांधी जी ने निकली है, जो हर महीने हाजिर हो रही है, आपके साथ आपका सम्मान कर रही है, एक एक व्यक्ति की चिंता कर रही है। और भ्रष्टाचार एकदम व्याप्त था और आप सुल्तानपुर की राजनीति के अपराधीकरण को और भ्रष्टाचार को मुक्त कराने के लिए आपके बीच में आपका सांसद आप लोगों ने चुन करके भेजा, जो आप सबको साकार होने जा रहा है। जिस माता जी विद्यालय का विद्युतीकरण नहीं हुआ है, प्रधानी का इलेक्शन आ रहा है, इसमें बहुत लोग डरे हुए हैं क्योंकि हर दफा उन्होंने पिछले 40 साल में वोट कहीं दिया और नतीजा कुछ और निकला। सही है, इस दफा कोई भी काउंटिंग धनपतगंज में नहीं है। बहुत सही, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारी काउंटिंग धनपतगंज की सुल्तानपुर में। बहुत सही, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरे महीने के लिए मैं रहूंगी यहाँ देखने के लिए कि कोई और काउंटिंग के दिन भी मैं बैठ करके देखूंगी कि ये आराम से चले। और शुरू से औरतें निडर रही हैं, एक एक देवी की तरह।
कुछ करे तो मैं उनको माफ कर देती, लेकिन जो जनता के साथ कोई बुरा करे, किसी को दबा करके रखे, किसी के जमीन छीने, किसी को उनको तंग करे, वो मैं बहुत कम माफ करती, बहुत कम। मेरा काम है आपके लिए एक नई दुनिया बनाने की, और उसके अगले दिन बाद हम पूछते हैं कि काम हुआ कि नहीं हुआ। जब से मैं आई हूँ, हजारों लोगों जो बिल्कुल ही बिना कोई आशाएं के थे, आज उनको मालूम है कि माँ का घर सबके लिए खुला। मैं कोई पूछता नहीं है नाम, कोई जात, कोई किस आपने किसके लिए काम किया था इलेक्शन में, किसको वोट दिया, ये मुझे ये छोटी चीज है। मैं केवल ये पूछती हूँ कि तुम कैसी हो, खुश हो, मैं क्या कर सकती हूँ तुमको और खुश करने के लिए। बात सही है कि नहीं सही है? कोई यहाँ अगल बगल में आता था तो कहते थे कि नहीं, कोई टेलीफोन करेगा, धमकाएगा, कौन लड़ाई लड़ेगा। बात सही है कि नहीं सही? और आज आप देखिए कितनी सुंदरता से खास करके मेरी बहनें सामने आई है। मैं खुश हूँ कि मेरे आने के बाद इस क्षेत्र का पूरा डर गुंडे बदमाशों से हट गया। बात सही है कि नहीं सही? अब ये तो कह सकते हैं कि सांप अपने बिल में बैठे। हाँ, अराजकता की अंत हो रहा है। एक तो जैसे मैंने अभी मंच पर कहा था कि हर गांव के लड़ाइयों का समाधान हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। दूसरा, क्योंकि मैं यहाँ हूँ और सचमुच में मैं किसी से डरती नहीं हूँ, और मेरे साथ भी पार्टी में कोई डरपोक तो है नहीं, तो हम लोग अगर कोई बुरा करता है सब लोग निकलते हैं उस बुरा को अच्छा करने के लिए। तो लोगों को ये विश्वास हो ही गया है, तो जब लोगों का विश्वास बढ़ जाता है फिर वो खुद निडर हो जाते हैं। तो यहाँ एक निडरता आ गई है। यही हम लोगों के यही होगा कि इस दफ़ा इसकी जो काउंटिंग है वो यहाँ नहीं होगी, क्योंकि काउंटिंग के वक्त भी ये बहुत ही धांधली चलती थी। तो यहाँ पूरे धनपतगंज की काउंटिंग सुल्तानपुर में होगी या कहीं और होगी, लेकिन यहाँ नहीं होगी। और दूसरा, मैं वहाँ रहूँगी उस वक्त और मैं देखती हूँ कि क्या कुछ ऐसे गड़बड़ ना हो। और मैंने जानबूझ करके धनपतगंज से ही शुरू किया है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा डर यहीं होता था। तो मैं गांव-गांव जा रही हूँ खुद बताने के लिए कि आप जहाँ मर्जी वोट देना दे दो, जिसको मर्जी को जिताना है जिता दो। खबर भारतवर्ष के लिए सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से राज जायसवाल की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।